Good morning, students. Today is 31st of January 2020. So, इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 31st जनवरी से रिलेटेड हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपको बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे करंट अफेयर फर्स्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें. तो चलिए उससे पहले कल का रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. सो ये डिस्कस होगा, ये जितने क्वेश्चन है ये है 30th of January का क्वेश्चन. ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. व्हाट एक्शन टेकन बाय ब्रिटेन टू सेलिब्रेट ब्रेक्सिट. हाल ही में ब्रिटेन यूरोपियन नेशन से एग्जिट लेने वाला है. ठीक है, तो इस अवसर में इसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने क्या लॉन्च किया, कितने पेंस का क्वाइन लॉन्च किया, वो है 50 पेंस का क्वाइन लॉन्च किया. ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया. सो वो है तरनजीत सिंह को, तरनजीत सिंह को नियुक्त किया गया है. ठीक है, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक. ठीक है, पशु युद्ध स्मारक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. स्मारक किस शहर में स्थापित किया जाना है. ठीक है, वो कहाँ होने वाला है, वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स के लिए मेरठ में. ठीक है, हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है. हरित रत्न जो पुरस्कार है अभी हाल में किन्हें दिया गया, वो डीएन डॉक्टर एन कुमार को दिया गया है. हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया है, वो कौन सा राज्य है, वो है केरला ने किया है. निम्नलिखित में से किस गीत ने मीन्स किस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत ग्रेमी अवार्ड 2020 जीता है. कौन सा सॉन्ग है, वो बैड गाय, ये सॉन्ग है बैड गाय. अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन थिएटर पर्सनालिटी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर फ्रेंच ऑनर ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स. सो ये वन ऑफ द टॉप फ्रेंच अवार्ड है, ऑनर है, जो कि एक इंडियन ओरिजिन थिएटर पर्सनालिटी को दिया गया है. वो उनका नाम क्या है, उनका नाम है संजना कपूर को दिया गया है. ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया आप राइट बटन राइट कॉर्नर में आप वीडियो के देख सकते हैं, वहां पे आपको एक रेड बटन दिखेगा, उसे हिट कर ले. जब भी इस चैनल पे नई वीडियो अपलोड होंगे आपको एक इंस्टेंट नोटिफिकेशन चला जाएगा जो कि आपका कोई भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिस नहीं होगा. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें. ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. चलिए आज का करंट अफेयर्स करते हैं. ऑपरेशन वेनिला जो एक ऑपरेशन है जो कि भारतीय नेवी नौसेना द्वारा ऑपरेशन ये स्टार्ट किया गया है. ये रिलेटेड टू विच कंट्री, किस कंट्री से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेडागास्कर. सो ये क्यों स्टार्ट किया गया, द इंडियन नेवी हैज लॉन्च द ऑपरेशन वेनिला टू प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ इन मेडागास्कर. हाल ही में एक डिजास्टर हुआ था. ठीक है, तो उसको रिलीफ के लिए, डिजास्टर रिलीफ के क्रप के लिए सो इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट्स ऑपरेशन वेनिला. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स और ये मोटिवेशनल कोट्स जरूर पढ़े. लेफ्ट साइड में टॉप में आपको हर एक में एक दिखेगा एक मोटिवेशनल कोट. सो ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव एंड वर्क स्मार्टली फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एयरलाइंस हैज सस्पेंडेड ऑल इट्स फ्लाइट टू चाइना आफ्टर द कोरोना वायरस आउटब्रेक. कोरोना वायरस आउटब्रेक जो चाइना में है उसके कारण से कौन सा देश ने सारे फ्लाइट को चाइना को कैंसिल कर दिया है, जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया है, तो वो कौन है, ब्रिटिश एयरवेज ने भी हाल ही में किया. ठीक है, सो नेक्स्ट, शेख खालिदा को किस राष्ट्र का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कौन
किस राष्ट्र का? कतार का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और कतार का कैपिटल क्या है? दोहा। इसका कैपिटल दोहा है और इसका करेंसी है कतारी रियाल। इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अफेक्टेड बाई साइक्लोन डैन? साइक्लोन डैने, सो हाल ही में किस देश ने चक्रवात डायने से प्रभावित हुआ है? कौन सा है ये? मेडागास्कर। और इस साइक्लोन से जो ये मेडागास्कर इफेक्ट हुआ है, इसी को रिलीफ के लिए, इसी रिलीफ के लिए हमारा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन वेनिला लॉन्च किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन एनी न्यू वीडियो विल बी अपडेटेड ऑन दिस चैनल। अगला क्वेश्चन। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस ऑफ एनसीआरबी इज मैनेज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये जो हाल ही में सिटीजन सेंट्रिक सर्विस लॉन्च किया एनसीआरबी ने, वो एनसीआरबी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो किसके तहत, कौन मिनिस्ट्री के अंडर में? वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ अगला क्वेश्चन है। विच इंडियन कंपनी अप्रोच्ड एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉर ऑफरिंग वेस्ट प्लास्टिक टू रोड टेक्नोलॉजी? में कौन सा कंपनी जो ये टेक्नोलॉजी के लिए एनएचएआई के पास ऑफर के लिए ये गया, जो कि वो क्या कर सकते हैं, वेस्ट प्लास्टिक से रोड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करे, ठीक है, रोड बिल्डिंग में हेल्प करे? तो वो कंपनी है, सॉरी, ऑप्शन ए RIL, रिलायंस है। इट्स ए रिलायंस, RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हाइक्ड अनएम्प्लॉयड स्टाइपेंड टू 5,000? ठीक है, 1,000 से बढ़ाकर 5,000 किया, एंड वर्किंग डेज को बढ़ा के 365 किया। ठीक है, सो कौन सा वो स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में किया, और वो कौन सा योजना है? युवा स्वाभिमान योजना के तहत उन्होंने किया है, युवा स्वाभिमान। ये जो कि पहले 1,000 था, 1,000 से भी 5,000 हो गया स्टाइपेंड, और 100 डेज से एम्प्लॉयड पीरियड कितना हो गया, वो 365 फुल डेज। इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल रेलवे स्टार्टेड फर्स्ट एसी सब अर्बन ट्रेन फ्रॉम विच सिटी? ठीक है, किस सिटी से इंडियन रेलवे ने सब अर्बन ट्रेन, एसी सब अर्बन ट्रेन स्टार्ट किया? वो कौन सा शहर है? वो है मुंबई से किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर फ्रेंड, सब्सक्राइब दिस बटन हियर एट द राइट बॉटम, यू कैन सी ए सब्सक्राइब बटन, सो क्लिक ऑन इट, यू विल गेट सब्सक्राइब, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एनी न्यू अपलोडेड वीडियो ऑन दिस चैनल। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ, शेयर करें सोशल मीडिया पे, शेयर करें जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री होता है, आपको कोई भी चार्जेज, कोई भी चीज, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। इट्स टोटली फ्री स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। ठीक है, बेल आइकन को हिट करें तो कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हुआ इस चैनल पे, तो आपको एक इंस्टेंट नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, डोंट गेट बोर, क्या बोर हो रहे हैं क्या? बोर नहीं होना है, पढ़ना है, अपने लक्ष्य को देखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अभी हाल ही में बाई RBI? ठीक है, RBI ने अभी किसे अपॉइंट किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में? तो वो किया है जनक राज को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जनक राज इज बीन अपॉइंटेड बाई द RBI टू द RBI एज ए मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC। And what is the main purpose of this MPC? It define the interest rate in India. ठीक है, interest rate को ये calculate करता है ये for India के लिए। ठीक है, ये committee. It's totally formed by RBI. Now अगला question देखते हैं, important question. What is the name of Indian? Name of Indian javelin thrower who qualified for the Tokyo Olympic?
राइट। अभी हाल ही में कौन इंडियन जेवलिन थ्रोअर कौन है जो कि क्वालिफाई किया है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए, उनका नाम क्या है? आप उनका इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ही इज दैट पर्सन एंड दैट्स अ ग्रेट स्पोर्ट पर्सन, ही नेम इज नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड इज एंड जस्ट टू क्वालिफाई ही हैज थ्रोन 87.86 मीटर एट द एथलेटिक सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अभी एक गेम हुआ था, उनमें उन्होंने जेवलिन को 87.86 मीटर थ्रो किया एंड दिस क्वालिफाई हिम फॉर द टोक्यो ओलंपिक। एंड 22 ईयर ओल्ड एशियन गेम्स एंड ही इज द 22 ईयर्स ओल्ड एंड कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है अभी तक, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच प्लेस इंडियन रेलवे कमीशन्स फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। भारत रेलवे ने प्रथम स्थान पर ऊर्जा, किस स्थान पर पहली बार ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया है, कहां पे वो किया है? वो है भुवनेश्वर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल है, याद रखिएगा। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसेंटली रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ यशवंत सिन्हा टाइटल्ड रिलेंटलेस, ठीक है। तो वो किन्होंने रिलीज किया? वो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने रिलीज किया है। कैन सी द इमेज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP अनाउंस्ड विच वर्ड एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड कौन से वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 दिया? वो वर्ड है संविधान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑक्सफोर्ड इनर्जी डायरेक्ट डिक्शनरी इज द प्रिंसिपल हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में है। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री होता है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी पे करने की जरूरत किसी को नहीं होती, इट्स टोटली फ्री फ्री फ्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो राइट बॉटम में भी आपको देख सकता है एक रेड बटन, तो वहां पे भी जाके आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो होप यू गेट सम वैल्यू ऑन द फ्रॉम दिस वीडियो। सो हैव अ वंडरफुल डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।